हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसी किताब है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबसे ज़्यादा डिटेल में समझाती है और वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, बेस्ट सेलर है। बात करेंगे द सीक्रेट के बारे में जो कि रोंडा बायन ने लिखी है। क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ 4% लोगों के पास उतनी वेल्थ होती है जितनी बाकी 96% के पास नहीं होती। कुछ ही लोग खास क्यों बन जाते हैं, उसके पीछे का सीक्रेट क्या है। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत खुश होते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं। हम सब एक एनर्जी हैं, एक मैग्नेट की तरह हैं जो अट्रैक्ट करते हैं जैसा हम सोचते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ बहुत टफ है, हमारे पास कुछ भी एसेट्स नहीं हैं, हमारी लाइफ तो बिल्कुल बेकार है, तो यूनिवर्स उसे वैसा ही बना देगा, बिकॉज यूनिवर्स कहता है योर विश इज़ माई कमांड। जब भी आप कहते हैं कि आई डोंट वॉन्ट बिल्स, आई डोंट वॉन्ट पेन, तो ये जो डोंट है ये यूनिवर्स को सुनाई नहीं देता। उसे समझ में आता है आई वॉन्ट पेन, आई वॉन्ट बिल्स, तो इसीलिए मुझे पेन नहीं चाहिए। इससे ज्यादा आपको फोकस करना है मैं हेल्दी हूं। बहुत ज्यादा ग्रीड है, बहुत ज्यादा एंगर है, बहुत ज्यादा रिग्रेट्स हैं, बहुत ज्यादा गिल्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ किस तरह का आकार लेगी। वहीं अगर आप ग्रेटफुल हैं, जो कि हम नहीं होते, बहुत सारी चीज़ों के लिए नहीं होते, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा कमी पर होता है कि हमारे पास क्या नहीं है, पर हमें ग्रैटिट्यूड नहीं होता उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास हैं। जब हमें वो ग्रैटिट्यूड होता है तो हमें और ज़्यादा मिलता है। बॉब एक गे व्यक्ति थे और वो बहुत अच्छी कॉमेडी करते थे, बट जब भी वो ऑफिस में किसी भी प्रेजेंटेशन में जाते या कहीं पर भी जाते तो सब लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते, हमेशा उनको उल्टी सीधी बातें कहते और वो इससे बहुत निराश हो गए। उन्होंने ऑथर को लिखा कि किस तरह से वो कितने परेशान हैं अपनी प्रेजेंट कंडीशन से। इस पर ऑथर ने उन्हें मेल किया और कहा कि अब से आप फोकस करिए उन चीज़ों पर जो आप चाहते हैं। बॉब ने यही किया। अब उन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते थे कॉमेडियन बनना। उन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया और अपनी कॉमेडी को इम्प्रूव करते गए। धीरे 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 लोगों ने उनको सुना और कुछ ऐसा मिराकल हुआ कि जो लोग उनको बहुत टीज करते थे, जो एक पर्टिकुलर सेक्शन था जो उनको टीज करता था, उन सबका ट्रांसफर हो गया और बॉब एक बहुत ही फेमस व्यक्ति बन गए अपने ऑफिस में। सब चीजें यूनिवर्स ने ही की, क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान प्रॉब्लम से हटा के सोल्यूशन पर दिया। स्टेप्स बुक पे मेंशन किए गए हैं, पे आस्क, आपको क्या चाहिए। सबसे पहले आपको उसके लिए बहुत क्लियर होना है। आपको हर एक चीज डिटेल में पता होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और आप अपने लिए विजन बोर्ड जरूर बना सकते हैं जिस पर लिख सकते हैं जो आपको चाहिए। दूसरा स्टेप है बिलीव। आपको ये नहीं सोचना है कि वो सब चीजें आपके पास कैसे आएंगी, आपको यूनिवर्स के प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। अगर आप बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे कि कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, तो आप कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस गलत सेट कर रहे हैं। यू हैव टू बिलीव। और तीसरा स्टेप है रिसीव। एक बार अपना ऑर्डर कैटलॉग से दे दिया, आपको पता चल गया कि आपको क्या चाहिए, आपने उस पर ट्रस्ट किया, तो आप रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी एनर्जी उससे पॉजिटिव रहेगी। कुछ ऐसा ही तब भी होता है जब हम प्रे करते हैं। जब हम प्रे करते हैं तो हम बड़े स्पेसिफिक होते हैं कि हमें क्या चाहिए। हम कभी भी भगवान पर सवाल नहीं उठाते कि भगवान ये कैसे करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान तो चमत्कार करते हैं, और उसके बाद हमें वो मिल जाता है और हमारा विश्वास भगवान में और बढ़ जाता है। बस यही चीज है यूनिवर्स के साथ भी, जैसा आपका बिलीफ सिस्टम है वैसे आप बन जाते हैं। अगर आप रोज उठकर परेशान हो जाते हैं कि मुझे फिर से बिल पे करना है, मेरे पास बिल्कुल रुपए नहीं है, तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया, आपने बिल एक्सपेक्ट किया और वही आपको मिला। बट अगर आप उसकी जगह चेक एक्सपेक्ट करें, उसकी जगह वो चीज एक्सपेक्ट करें जो आपको चाहिए, तो वो आपको वो भी मिलेंगी, बट आपको उसके लिए ट्रस्ट रखना होगा। अपने दिमाग में 1% भी नेगेटिव थॉट को ना आने दे। एक रिसर्च जो हुई थी एक वाटर के स्ट्रक्चर पर, वाटर के स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया गया। वो वाटर जो एक होली वाटर था, वो वाटर जो एक होली प्लेस से लिया गया था, ऐसी जगह जहां पे लोगों के धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, उसका एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि उसमें एक पैटर्न था। दूसरा सैंपल एक ऐसी जगह से लिया गया जहां पे लोगों की वाइब्रेशंस बहुत नेगेटिव थी, एक ऐसी जगह जहां पर लोग बहुत ज्यादा क्रूअल थे, उस वाटर का पैटर्न अलग था।
आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, ये एक प्रूवन थ्योरी है, एक ब्यूटीफुल पैटर्न था। आपने सुना होगा कि लोग प्लांट्स के बारे में भी यही बात करते हैं कि जब आप प्लांट्स को बहुत प्यार से उनका टेक केयर करते हैं तो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं वो। अगर आप अपने हाथों को ध्यान से देखें तो अगर आप इसे माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें ये एनर्जी ही दिखाई देगी, इसीलिए इस एनर्जी को पॉजिटिव रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। कहती हैं सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आपका जो है वो आपका खुद के साथ है। जब आप अपने आप को प्यार करते हैं तभी आप किसी और को प्यार कर सकते हैं। गलती करते हैं हम अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में देते हैं, हम चाहते हैं दूसरे हमें खुश करें और वो पॉसिबल नहीं होता और फिर हम लेट डाउन फील करते हैं। कभी भी वेट ना करें कि कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देगा, कोई आपको बोलेगा कि आप कितने सुंदर हैं। अपने आप को अंदर से फील करें कि आप बहुत सुंदर हैं। वेट ना करें कि कोई और आपको इसको आकर प्रूव करे। एक इसके बाद ऑथर ने हेल्थ के बारे में बात की है। एक व्यक्ति जिनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है वो हॉस्पिटल में होते हैं और डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है इनका बचना, शायद ही ये बच पाएंगे। वो व्यक्ति ये सुन रहे होते हैं और लॉ के बारे में जानते हैं, और वो इस लॉ के बारे में जानते थे। वो ये जानते थे कि अगर उन्होंने ट्रस्ट छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा, पर उन्होंने अपने ट्रस्ट को ख़त्म नहीं होने दिया। उन्होंने अपने माइंड को ये बिलीव करवाया कि वो इसे खुद अपने पैरों पर खड़े होके जाएंगे। उन्होंने निश्चय किया कि 8 महीने बाद जब क्रिसमस था उस दिन वो खुद अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर जाएंगे। सुनने में अनबिलीवेबल था सभी के लिए, क्योंकि उनकी जो कंडीशन थी इट वॉज इम्पॉसिबल, बट उन्होंने विजुलाइज करना शुरू किया कि वो खड़े हो रहे हैं। उन्होंने धीरे धीरे, उन्होंने सबसे पहले अपनी सांसों पर काम किया, उन्होंने धीरे 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 अपनी सांसों पर काम किया और एक दिन वो वेंटिलेटर से बाहर आए। उसके बाद उन्होंने अपने ऊपर और काम किया और वो व्हीलचेयर पर आए, और एग्जैक्टली 8 महीने बाद क्रिसमस पर वो उठकर अपने घर गए। उन्होंने इतना सा भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में नहीं आने दिया। यूनिवर्स को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप अच्छा फील कर रहे हैं या बुरा, आप जैसा फील करते हैं वही रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। आप बेसिकली एक मिरर में देख रहे हैं, जैसा आप बिलीव करते हैं वही आप सामने क्रिएट करते हैं। हमें रुककर ये देखने की बहुत ज़रूरत है कि हम किस तरह के थॉट्स रखते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो क्या हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड होता है? अगर आप में ग्रैटिट्यूड है तो आपको और दिया जाएगा, यही है यूनिवर्स का लॉ। बहुत सिंपल सा है, आपको उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है जो आप चाहते हैं और उन चीज़ों पर नहीं करना है जिनको आप नहीं चाहते। तो चलिए इसी नोट के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ मैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर।